रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में शुक्रवार को एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गोला सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते का चल रहा 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के तीसरे और समापन के दिन एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने प्रशिक्षण के शुरुआत में शेरनी दस्ते को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कानून के A to Z तक की कार्य प्रणाली और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया, जिससे शेरनी दस्ता समाज में बेहतर समन्वय स्थापित कर पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने और असामाजिक तत्वों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। इस दौरान गोरखपुर फैमिली कोर्ट के काउंसलर संगीता प्रकाश त्रिपाठी ने भी शेरनी दस्ते को प्रशिक्षण दिया और अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान शेरनी दस्ता ट्रेनिंग कमांडर संतोष यादव सहित प्रशिक्षण ले रही शेरनी दस्ता में शामिल प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, बतौर एनजीओ यहाँ पर मैडम श्रीमती संगीता प्रकाश त्रिपाठी मैडम हैं। आप महिला कोर्ट में फैमिली कोर्ट में आप वहाँ काउंसलर हैं, एनजीओ से भी आप संबंधित हैं, तो किस तरह से एनजीओ हमारे सहयोग हमारा ये पुलिस विभाग का सहयोग कर सकते हैं? एक आपस में एक सरकारी गैर सरकारी संस्था का समन्वय ये है, तालमेल है और एक सहयोग की भावना से ही है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो शासकीय नहीं है, गैर सरकारी है लेकिन आवश्यक है, उनकी समय समय पर आवश्यकता समझी गई है। तो हर विभाग में अब बहुत ढेर सारी राजकीय कार्य हैं, तो उसमें सहयोग के उद्देश्य से ही आप लोगों का ये एनजीओ का गठन किया जाता रहा। बहुत ढेर सारे उसमें किस क्षेत्र में काम करना है, तो मैडम आई हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे आप इसके बारे में बताएं, फिर आगे बात जाए। उसके पूर्व दिवस यानी आज हम लोग की मीटिंग है या एक परिचर्चा है, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। फिल्मों का देखने और विभाजन के समय की कुछ प्रमुख फिल्में हैं, आप लोगों को भी देखना चाहिए कि उस वक्त जब देश के टुकड़े हो रहे थे तो कभी कोई उपद्रव होता है या कोई इस तरह की हिस्टोरिकल घटनाएं जहां भी होती हैं, वहां पे सबसे ज्यादा किस चीज को, भारतवर्ष हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा घर है, एक घर से एक बार बेटों का बंटवारा हो गया, दूसरी बार नोटिस आ गए, तो ये कहीं ना कहीं ये वाक्य हमेशा मेरे दिमाग में गूंजता रहता है कि ये तो एक दृश्यांकन था, उसको देखा मैंने और इतने विचलित हो रहे हैं। जो वास्तविक रूप से उस स्थिति को देखा होगा, भोगा होगा, क्या गुजरी होगी। आधी आबादी को भी हमको लाना है, आधी आबादी अभी हम लोग स्वतंत्र भारत में भी अगर महिलाओं और बच्चों को कहीं परेशानियां हो रही हैं तो उनको किस ड्यूटी को निभाए। तो ये जो त्रासदीपूर्ण जीवन अभी भी चला आ रहा है, अब पति ने पूरा अधिकार लिया। ये 2005 में आ गया था कानून, लेकिन सवाल ये था कि 2005 के पहले जिन पिता की मृत्यु हो चुकी है, 2005 के पहले बंटवारा हो चुका हो, मृत्यु हो चुकी है पिता की, लेकिन बेटियों का हक है। टीवी देखते हुए प्रसन्नता तो बहुत हुई इस न्यूज को पढ़ के, लेकिन शाम को टीवी देखते हुए घटना उसमें दिखाई दी। ये प्रशिक्षण श्रेणी दस्ता को पिछले 20 जुलाई से जनपद में श्रेणी दस्ता का प्रशिक्षण चल रहा है। यहाँ जनपद में 8 सर्किल हैं और ये हर सर्किल में उस सर्किल की जो भी महिला आरक्षी या श्रेणी दस्ता से संबंधित आए, तीन तीन दिवस का प्रशिक्षण था। उसी क्रम में आज गोला सर्किल का प्रशिक्षण हुआ। आज यहाँ 11-12 महिला आरक्षी उपस्थित हैं यहाँ पर। तो श्रेणी दस्ता को आज का जो चर्चा का विषय था, ये महिला एनजीओ से बातचीत एवं उनके साथ परिचर्चा, उस चर्चा में महिला एनजीओ की तरफ से
श्रीमती संगीता प्रकाश त्रिपाठी मैडम उपस्थित हैं, जो यहाँ फैमिली कोर्ट में काउंसलर हैं और ये एनजीओ से संबंधित हैं। तो किस तरह से एनजीओ इन महिला हमारी जो श्रेणी दस्ता के सहयोग में आ सकती हैं, कैसे ये सब और हमारी ये श्रेणी दस्ता की जो महिला आरक्षीगण हैं इनसे कैसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, एनजीओ की क्या भूमिका होती है, इन सब बातों को लेकर के और ये ख़ास तौर से ये श्रेणी दस्ता की जो महिला आरक्षी हैं उनके अंदर क्या गुण होना चाहिए। गुण तो सबके अंदर रहती हैं, उन्हीं गुणों को तलाशना, उसको उभारना, इनका हिम्मत बढ़ाना, इनकी हौसला अफजाई करना, क्षेत्र में कैसे अपने कार्यों को भली भांति संपादित करेंगे, इनके गुणों के बारे में बात किया गया, ऐसी कौन सी गुण होनी चाहिए जो अपेक्षित है, जिसकी अपेक्षा की जाती है, इन्हीं सब के संबंध में आज का ये प्रशिक्षण सत्र रहा है।